चार राज्यों के विधानसभा चुनावों के नतीजों का काउंटडाउन अब शुरू हो चुका है। सूरज की उगती किरणों के साथ ईवीएम के लॉक खुलने वाले हैं और जैसे जैसे उजाला बिखरेगा वैसे वैसे ये तय होता जाएगा कि मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ और तेलंगाना भी यहाँ की सत्ता में अगले 5 साल तक का किसका सियासी सूरज चमकने वाला है और किसका सितारा ढलने जा रहा है। घड़ी में जब सुबह के 8 बजेंगे वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी और अब इंडिया टीवी पर आपके लिए लेकर आएंगे सबसे सटीक और तेज नतीजे। इसके साथ ही होगा इन नतीजों का बारीक एनालिसिस जो आपको बताएगा कि आखिर ये परिणाम क्या रंग लेकर आने वाले हैं। इन नतीजों से पहले कल की पूरी रात करवट बदलते गुजरी है। नेता हो या जनता, हर कोई बेकरार है इन नतीजों को जानने के लिए और सबने तैयारी भी कर ली है कि नतीजों के बाद क्या करना है। इसलिए कांग्रेस पार्टी ने जहां रात में ही 4 राज्यों के लिए ऑब्जर्वर्स का ऐलान कर दिया, वहीं राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी अपने वॉर रूम में अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बात की। इस बीच राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने भी कल अपना दिन मंदिर मंदिर घूमते बिताया। अब सभी प्रार्थनाएं, दुआएं और रणनीति आज रंग लाने वाली हैं और जैसे ही नतीजे आएंगे ये रंग निखरता जाएगा। इस पूरे सफर में इंडिया टीवी आपको सबसे पहले ना केवल नतीजे दिखाएगा बल्कि हमारे साथ जुड़े एक्सपर्ट्स और चप्पे चप्पे पर तैनात हमारे संवाददाता आपको इन नतीजों के अंदर का गणित भी समझाएंगे। और इस मेगा कवरेज में मेरे साथ हैं मेरे साथी मीनाक्षी जोशी और अमित पालित। सौरभ, आपने एक बात बिल्कुल ठीक कही कि सभी की धड़कनें तेज हो रही हैं और ये धड़कनें तो उस वक्त से बढ़ी हुई हैं जब से एग्जिट पोल के नतीजे आए हैं और खास तौर पर राजस्थान को लेकर, क्योंकि 5 राज्यों में से सबसे ज्यादा कांटे का मुकाबला अगर कहीं हुआ है तो वो राजस्थान में ही नजर आया। राजस्थान को लेकर हर कोई एक ही सवाल पूछ रहा है, इस बार राजस्थान में रिवाज बदलेगा या फिर राज। बीजेपी बड़ी कॉन्फिडेंट नजर आ रही है तो कांग्रेस ने पूरी फील्डिंग सजा दी है। अशोक गहलोत कोई मौका छोड़ना नहीं चाहते हैं और इसलिए देर शाम उन्होंने कांग्रेस के सभी 199 उम्मीदवारों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उनसे बात की। साथ ही कांग्रेस के बागी और निर्दलीय उम्मीदवारों से भी अशोक गहलोत ने बात की है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि राजस्थान विधानसभा की कुल सीट तो 200 है तो अशोक गहलोत ने 199 उम्मीदवारों से ही बात क्यों की। तो आपको याद दिला दें कि राजस्थान के करणपुर सीट से कांग्रेस उम्मीदवार के निधन की वजह से वहां का चुनाव स्थगित कर दिया गया, इसलिए वोट 199 सीट पर ही पड़े हैं। काउंटिंग से पहले अगर गहलोत पूरे एक्टिव हैं तो जैसा कि सौरभ ने बताया कि वसुंधरा राजे की सक्रियता भी राजस्थान की सियासी हलचल को बढ़ा रही है। वसुंधरा राजे देव दर्शन यात्रा ही नहीं सिर्फ कर रही है, उन्होंने राज्यपाल कलराज मिश्र से मुलाकात भी की, जयपुर में आरएसएस के दफ्तर में भी पहुंची। इतना ही नहीं, एग्जिट पोल के बाद वसुंधरा राजे ने बीजेपी के 100 से ज्यादा उम्मीदवारों से बात की है। तो ये सारी हलचल तभी से परवान चढ़ेगी जब आज नतीजे आएंगे और इन नतीजों को हम सबसे पहले आप तक पहुंचाएंगे, वो भी देश के जाने माने एक्सपर्ट्स के एनालिसिस के साथ, क्योंकि राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मध्य प्रदेश के नतीजे 2024 का मूड सेट करने वाले नतीजे हैं। अमित, बिल्कुल मीनाक्षी, इसीलिए इन चुनावों को 2024 का सेमीफाइनल कहा जा रहा है और इस सेमीफाइनल की पिच में मध्य प्रदेश में दिग्गजों ने जो बैटिंग की है उसका स्कोर कार्ड अब से थोड़ी देर बाद आपकी स्क्रीन पर नतीजों के रूप में दिखने वाला है। वैसे एग्जिट पोल तो बिना लाग लपेट के एमपी में बीजेपी की बंपर जीत का अनुमान लगा चुके हैं, लेकिन ईवीएम में क्या आंकड़े छिपे हैं और वो अब से थोड़ी देर बाद निकलने वाले हैं। तो शिवराज सिंह चौहान एग्जिट पोल के नतीजों से गदगद नजर आए, उन्हें अपनी लाडली बहनों पर भरोसा है तो कमलनाथ भी हनुमान भक्ति के प्रसाद का इंतजार कर रहे हैं और इनके साथ साथ वो दिग्गज भी बेकरार हैं जो केंद्रीय मंत्री हैं और राज्य में विधायक का चुनाव लड़ रहे हैं। इन दिग्गजों पर अपनी सीट का चैलेंज ही नहीं है बल्कि इनके इलाके में कौन जीता इसका रिपोर्ट कार्ड भी इनसे लिया जाएगा। तो एमपी में 230 सीटों के नतीजे आने वाले हैं और बंपर वोटिंग ने माहौल में और उत्सुकता बढ़ा दी है और अब जैसे जैसे वक्त करीब आ रहा है सबकी धड़कनें और तेज होती जा रही है, लेकिन आप दिल थाम कर रखिए क्योंकि इन धड़कनों को, क्योंकि वादा है हमारा कि सबसे पहले नतीजे और सबसे सटीक एनालिसिस हम ही आपके लिए लेकर आने वाले हैं लगातार इंडिया टीवी पर। ये हमारा बहुमत आ रहा है और हम बहुमत के आधार पर सरकार, हमारा मुख्यमंत्री शपथ लेगा। पूर्ण बहुमत की सरकार हमारे बनने जा रही है, हम भारी बहुमत से सरकार बनाने जा रहे हैं। मुझे मध्य प्रदेश के मतदाता पर पूरा विश्वास है। 130 प्लस, उससे नीचे नहीं जाएंगे। जनता का आशीर्वाद हमारे साथ के साथ रहेगा और पूर्ण बहुमत की हमारी सरकार कल बनेगी।
विश्वास है कि राजस्थान में हमारी सरकार बनने वाली है। राजस्थान में हम शानदार जीत हासिल कर रहे हैं। राजस्थान में फिर कमल खिलने की तैयारी। चुनाव जीत रही है कांग्रेस, भारी बहुमत से स्पष्ट बहुमत मिलेगा। बहुत मजबूत भाजपा की सरकार राजस्थान में बन रही, कोई किंतु परंतु नहीं है जी। हम 5 राज्यों में 4 राज्यों में पूरी शक्ति के साथ, पूरी ताकत के साथ, पूरे बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे। काम किया है, लोगों ने साथ दिया है, जीतेंगे। स्पष्ट बहुमत के साथ छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रही है। नेताओं के अपने अपने दावे आपने सुना और सब बड़े कॉन्फिडेंट भी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वोटों की गिनती शुरू होने में अभी थोड़ा वक्त बाकी है। लेकिन नेताओं के दावे सामने आने लगे और हर कोई कह रहा है कि जीत तो उन्हीं की होगी। किसके दावे में दम है और किसके दावे खोखले साबित होंगे, वो अब से करीब 2 घंटे के बाद आपको पता चलने लगेगा। और यही पता लगाने के लिए हमारे तमाम रिपोर्टर्स चारों राज्यों में अलग अलग काउंटिंग सेंटर्स पर मौजूद हैं। मैं आपकी मुलाकात करा देता हूँ। भोपाल से हमारे साथ जुड़ रहे हैं अनुराग अमिताभ, भोपाल में बीजेपी वॉर रूम से प्रिया सोमवंशी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, जयपुर के काउंटिंग सेंटर से मनीष भट्टाचार्य हमारे साथ हैं और जयपुर में अशोक गहलोत के घर के बाहर से पवन नारा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रायपुर से रुचि कुमार जिन्होंने पूरा चुनाव कवर किया और हैदराबाद से सुरेखा हमारे साथ हैं जो आपको तेलंगाना का हाल बताएंगी। इंडिया टीवी के स्पेशल काउंटिंग सेट पर हमारे साथ एक्सपर्ट्स का एक बड़ा और अनुभवी पैनल भी मौजूद है जो आपको सारे रुझानों का और इन नतीजों का बारीक एनालिसिस करके बताएगा। स्वागत करते हैं हर्षवर्धन त्रिपाठी जी का, बहुत स्वागत है सर आपका। राहुल महाजन जी हमारे साथ हैं, सज्जन कुमार हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, राहुल जी स्वागत आपका भी। समीर चौगांवकर साहब स्टूडियो में, समीर जी स्वागत है आपका। और मेरे 3 साथी और इस वक्त मौजूद हैं, इंडिया टीवी के पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर, हमारे सहयोगी टी राघवन और विजय लक्ष्मी, आप सबका भी बहुत स्वागत है। और आज तो देखिए पूरा दिन अब से लेकर के करीबन 1.5-2 घंटे का वक्त बाकी है, 8 बजे से पहला जो रुझान है वो आना शुरू हो जाएगा। हम अपने रिपोर्टर्स से, मेहमानों से बात करें उस पहले आपको ये बता दें कि मध्य प्रदेश में वोटों की गिनती से पहले बड़े बड़े नेताओं का भोपाल पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया देर रात भोपाल पहुंचे, उन्होंने दावा किया कि एमपी में बीजेपी की स्पष्ट बहुमत से सरकार बन रही है। सिंधिया ने कहा चाहे कोई लड्डू बांट ले या कोई होर्डिंग या पोस्टर लगा ले, उससे कुछ होगा नहीं क्योंकि जनता ने बीजेपी को बहुमत दे दिया है। मैंने आप लोगों से पहले दिन से ही मेंटेन किया है, हमारी डबल इंजन की सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश जो एक विकास और प्रगति के सफर में निरंतर रहा है, मध्य प्रदेश के अंदर हमारा संयुक्त नेतृत्व शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में, जहाँ एक मैं कहूँगा कि एक तीव्र गति मध्य प्रदेश की विकास और प्रगति के नेतृत्व में मिली है, पूरा विश्वास है कि जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ है, पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में जनता के आशीर्वाद के साथ जनता की सेवा के लिए, जन कल्याण के लिए, गरीब कल्याण के लिए और सुशासन के लिए मध्य प्रदेश में बीजेपी। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया को आपने सुना, अगर मध्य प्रदेश में बीजेपी की बड़ी जीत का दावा किया गया है तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी गिनती शुरू होने से पहले एक बड़ा दावा कर दिया है। अशोक गहलोत ने कहा है कि राजस्थान में फिर से कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है, उनकी पार्टी बड़े मार्जिन से जीत दर्ज करेगी। चुनाव जीत रही है कांग्रेस, भारी बहुमत से स्पष्ट बहुमत मिलेगा, ये बात है। क्या सभी को बुलाया गया है सर, क्या चुनाव के बाद में? वो तो प्रक्रिया होती है, हमारे ऑब्जर्वर लगे, आज ऑब्जर्वर लगा दिए कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे साहब ने आदेश जारी करवा दिए, सबको बुला लिया, प्रक्रिया शुरू हो जाती है, हमेशा होती है, नई बात नहीं है। स्पष्ट बहुमत मिलेगा, स्पष्ट बहुमत मिलेगा, स्पष्ट बहुमत मिलेगा, ठीक है। तो अशोक गहलोत को आपने सुना 3 बार उन्होंने कहा स्पष्ट बहुमत मिलेगा, अब मिलता है नहीं तो 8 बजे के बाद से पता चलना शुरू हो जाएगा। हमारे सारे सहयोगी जो हैं वो जुड़े हुए हैं, सबसे पहले एक बार मनीष भट्टाचार्य का रुख करते हैं क्योंकि अभी आपने बड़ा कॉन्फिडेंट देखा अशोक गहलोत जी को, रात भर कैसे घटी गहलोत साहब की, किन से बात करते रहे? सुना है रात 9 बजे से लगातार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में सारे उम्मीदवारों से, निर्दलियों से बात कर रहे थे मनीष।
चिंताओं की लकीरें तो जरूर थी अशोक गहलोत के चेहरे पर। रात को वीसी हुई है, तमाम जो कैंडिडेट्स हैं उनसे बातचीत की है, और हालांकि जो अंदर खाने से खबरें आई हैं, इतना कॉन्फिडेंट होने के बाद उन्होंने सभी नेताओं को कहा है कि 4 दिसंबर को सभी 12 बजे जयपुर में उपस्थित हों, घर पर मुलाकात होगी। खासतौर पर इंडिपेंडेंट से काफ़ी ज़्यादा बातचीत हुई है, वो लोग जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बहुत करीब रहे हैं, क्योंकि इससे पहले भी घर पर भी तमाम जो भी लोग थे वो मिलके चले गए थे, लेकिन आधे घंटे की वीसी हुई, सुखजिंदर रंधावा वहां पर मौजूद थे, प्रदेश अध्यक्ष गोविंद डोटासरा मौजूद थे, अशोक गहलोत मौजूद थे, और डिजाइन बॉक्स के जो मालिक हैं वो भी मौजूद थे। कुल मिलाकर रूपरेखा तैयार की गई थी। दोनों तरफ से देखिए आप, नजरें दोनों तरफ हैं। अशोक गहलोत रात को सभी नेताओं से बातचीत कर रहे थे, दिन भर वसुंधरा राजे सबसे बातचीत कर रही थी, सुबह से लेकर शाम तक के वो एक्टिव थी, और शाम के बाद अशोक गहलोत एक्टिव हुए और उसके बाद तमाम कार्यकर्ताओं से बातचीत की, और शाम को फिर सचिन पायलट भी आए, हालांकि वो वॉर रूम के अंदर नहीं आए थे, लेकिन ये तय हुआ कि राजस्थान के जितने भी मुख्यमंत्री गहलोत के करीबी हैं, जिन्होंने सियासी समीकरण जो तमाम बिसाते बिछाई हैं, उनसे बात करना बहुत जरूरी है, धरातल को टटोलना बहुत जरूरी है, इसीलिए पूरा वीसी किया गया और कॉन्फिडेंस उनके चेहरे पर दिखाई दे रहा था, और उसके बाद जब बाहर आए तो उन्होंने कहा स्पष्ट बहुमत से सरकार आ रही है। हालांकि अभी जो तमाम नेता हैं वो अब सुबह से ही टीवी पर मॉनिटरिंग करना शुरू कर चुके हैं, धड़कनें उनकी बढ़ गई होंगी सौरभ।